कि तुहानू पता है कि कैनेडियन सरकार ने इमीग्रेंट्स नू कैनेडा बुलाउन वास्ते एक नवी योजना बनाई है। इस महीने की शुरुआत दे विच फेडरल सरकार ने साल 2025 तक यानी एक साल विच 5 लाख प्रवासियों नू कैनेडा बुलाउन की एक अग्रेसिव योजना तैयार कर ली है। यानी कि अगले 3 सालों विच लगभग 1.5 मिलियन नवे प्रवासी देश विच आउणगे। कि तुहानू लगदा है कि साल 2025 विच 5 लाख नवे प्रवासियों का स्वागत करन दे नाल कैनेडा एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कैनेडा ने हाल ही विच अपनी इमीग्रेशन पद्धरी योजना साल 2023-2025 जारी की है, जिसका उद्देश्य है साल 2023 4,65,000 नवे प्रवासियों, साल 2024 4,85,000 प्रवासियों, 2025 5 लाख नवे प्रवासियों नूं सद्दा देना है। एक्सप्रेस एंट्री लैंडिंग लई टीचे इस तरह वधनगे। साल 2023 82,880, साल 2024 109,020, साल 2025 114,000 दे वजों। पार्लीमेंट बजट अफसर का कहना है कि फैडरल सरकार को आर्थिक इमीग्रेंट्स अर्जियां समय सिर प्रोसैस करने लोड़ींदे नालों वध स्टाफ मौजूद है। मौजूदा स्टाफ का पद्धर अगले 5 सालों अर्जियां के प्रोसैसिंग समय के टीचे को पूरा करने काफ़ी है। उत्थे मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट विच PBU ने 5 वित्तीय सालों एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम द्वारा आर्थिक इमीग्रेंट्स अर्जियों की प्रक्रिया की लागत का विश्लेषण किया। रिपोर्ट विच कहा गया है कि साल 2022-23 वित्तीय साल लई विभाग कोल समय ते अर्जियों की प्रक्रिया करन लई लोड़ नालों 65% वध दा स्टाफ है। फैडरल सरकार दा टीचा इन्हां विचों 80% अर्जियों नूं 6 महीनों के अंदर अंदर प्रोसैस करना है। पिछले साल कैनेडा दा इमीग्रेशन विभाग महामारी कारण पैदा होए अर्जियों विच देरी नूं लै के वध रहे सियासी दबाव तो बाद फैडरल सरकार ने बैकलॉग नाल नजिठण लई तेजी नाल भर्तियां करन दा ऐलान कीता सी। नवंबर महीने विच इमीग्रेशन मिनिस्टर शोन फ्रेजर ने नवे इमीग्रेशन टीचों का ऐलान किया, जिस तहत सरकार ने 2025 तक हर साल 5 लाख इमीग्रेंट्स नूं कैनेडा सद्दन का टीचा मिथ्या है। कैनेडा ने हाल ही विच अपनी इमीग्रेशन पत्री योजना साल 2023-2025 दे लई जारी की है, जिसका मुख्य उद्देश साल 2023 4,65,000 नवे प्रवासियों, 2024 4,85,000 प्रवासियों, 2025 5 लाख नवे प्रवासियों सद्दा देना है। सो किवें दी लगी है तुहानू यह जानकारी, तो सानू कमेंट करके जरूर दस्यो।